How to fix, unfortunately, Airtel TV has stopped. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप unfortunately Airtel TV has stopped प्रॉब्लम को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और दोस्तों इस वीडियो को भी एक लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद में दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मैनेजमेंट पर जाना है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन मैनेजर या फिर ऐप्स एप्लीकेशन, इस नाम से आपको अपने मोबाइल में शो होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आपको एयरटेल टीवी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टोरेज यूसेज पे जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और क्लियर कर देना है डाटा को, ठीक है। उसके बाद में बैक चले आइएगा, बैक चले आने के बाद में दोस्तों आपको परमिशन पर जाना है। परमिशन पे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जितना भी परमिशन है सारा परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डाटा यूसेज स्टेटस पे चले जाइए और यहाँ पे नेटवर्क परमिशन पे जाने के बाद में मोबाइल वाईफाई एंड मोबाइल डाटा पे आपका क्लिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जाके दोस्तों आप अपने एयरटेल टीवी को ओपन कीजिएगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।